दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनानी यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हाय गाइस, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ये एक्स मनानी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग यूएमई डोंगल यूज करते हैं और यूएमई डोंगल को जब आप ओपन करते हैं तो आपको बार बार जो है स्मार्ट कार्ड मिसिंग का जो आपको मैसेज आता है कुछ इस तरह का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मिसिंग स्मार्ट कार्ड प्लीज चेक योर डोंगल लिखता है, इस तरह का मैसेज आपको आता है स्क्रीन पर। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज आपको बताएंगे हम इस वीडियो में कि आपको जो ये प्रॉब्लम दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है कि चलिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक यूएमटी कार्ड ड्राइवर है, ठीक है, और इस ड्राइवर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि इस कार्ड ड्राइवर को आपको जो ये कंप्रेसर फाइल से आपको एक्सट्रैक्ट करना है पहले, और उसके बाद सेम नाम का फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर बन चुका है, और इस फोल्डर को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। और जब इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे उसके बाद इसके अंदर में फिर से जो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक फोल्डर है, इस फोल्डर को फिर से आपको ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे जो है दो जो है यहाँ पे सेटअप है, ठीक है। तो इनमें से एक 64 बिट का है, अगर आपके पास 64 बिट सिस्टम है तो 64 बिट में आप नीचे वाले यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो आपको अगर आपके पास विंडोज 7 है 32 बिट है तो आप ऊपर वाले को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा सिस्टम 64 बिट है, चलिए 64 बिट को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सेटअप जो है इंस्टॉल हो चुका है कार्ड ड्राइवर। उसके बाद हमें करना यह है कि हमें अपना जो है डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। चलिए हम यहाँ पे अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करके आपको दिखाते हैं आपको कि आगे आपको क्या करना है। तो जैसे हम यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे, उसके बाद डिवाइस मैनेजर के अंदर में आपको करना यह है कि वहाँ पे आपको यूएसबी टोकन डिवाइस दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर मैंने ओपन कर लिया है, और यहां पे आपको यूएसबी टोकन डिवाइस यहां पे स्मार्ट कार्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको यूएसबी टोकन डिवाइस आपको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पे आप अगर स्कैन भी करेंगे, ठीक है, तो स्कैन करने के बाद भी अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है, यूएमटी सेटअप ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको करना यह है कि यहां पे आपको स्मार्ट कार्ड पे आपको क्लिक करके उसके बाद यहां पे यूएसबी टोकन डिवाइस आप देख रहे हैं, इसे आपको जो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। और जब आप पहला वाला जब अनइंस्टॉल कर देंगे उसके बाद पहला वाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीले आइकॉन में, ठीक है, तो आपको दूसरे वाले को भी इसी तरह से जो आप अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। जब दूसरे वाले को आप अनइंस्टॉल कर देंगे उसके बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ आपको कंप्यूटर पे स्कैन करना है एक बार, स्कैन हार्डवेयर जब आप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट कार्ड नजर आएगा आपको आइकन, वो भी पीले कलर में, ठीक है। तो पीले कलर में आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है स्मार्ट कार्ड का, तो आपको इसमें सिंपली करना यह है कि इस स्मार्ट कार्ड को आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसे जो है सी प्रोग्राम से कनेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और सी प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना है। और जब आप नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पे जो है ये आपका जो ड्राइवर है ऑटोमेटिकली जो है आपका स्मार्ट कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपडेट हो चुका है कार्ड, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूंगा अब जो है आपको ये प्रॉब्लम जो है बार बार आपको नहीं आने वाली, कभी भी नहीं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम इस डिवाइस मैनेजर को यहाँ पे बंद कर देते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे यूएमटी डोंगल का सेटअप आपको ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों मैं वो बता दूं आप कभी भी जो है आपको ये जो प्रॉब्लम आ रहा था स्मार्ट कार्ड मिसिंग का, ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यूएमटी जो कार्ड मिसिंग लिख रहा था वो आप कार्ड मिसिंग यहाँ पे नहीं लिख रहा है, और सेटअप हमारा जो है यहाँ पे ओपन होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है सेटअप ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।